एक दफा नूरपुर नामी गांव में एक घड़े बनाने वाला सलीम नामी शख्स रहता था। वो घड़े बनाकर बाजार में बेचता और अपनी कमाई से अपने खानदान की परवरिश करता था। इसके घर में तीन पुराने घड़े थे। एक दिन तीनों पुराने घड़े आपस में इस तरह से बात कर रहे थे, दोस्तों हम एक अरसे से ऐसे ही दोस्त हैं। मैं दिल से ख्वाहिश करता हूँ कि हमेशा इसी तरह एक साथ रहें। मेरी भी यही ख्वाहिश है। अरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ मजीद रहने की ख्वाहिश नहीं रखता हूँ कि हम कब तक यहाँ ऐसे गरीब घराने में रहेंगे। मेरी ख्वाहिश है कि कोई अमीर मुझे आके ले जाए। जब तीनों घड़े आपस में बात कर रहे थे तो एक अमीर आदमी घड़े बनाने वाले के पास पहुंचा। सुना भाई, मुझे एक अच्छा सा घड़ा चाहिए। देखो जनाब, मेरे पास ना अच्छा घड़ा है ना बुरा घड़ा है, सब घड़े अच्छे हैं, जो चाहे ले जा सकते हो। जनाब बुरा ना बनाए, मुझे नया घड़ा नहीं चाहिए बल्कि पुराना चाहिए। एक पुराना घड़ा? लेकिन जनाब मेरे पास तमाम घड़े नए हैं, सवाए तीन घड़ों के जो मैं पहले से ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो कुछ भी है, एक पुराना घड़ा चाहिए। वो आदमी अपनी बात पर डट गया। सलीम के पास इसकी बात मानने के लिए कोई चारा नहीं था कि वो तीनों घड़े अमीर आदमी को दिखाए। आदमी तीसरे घड़े का चुनाव करता है। इस पर तीसरे घड़े ने दूसरे घड़ों से कहता है कि देखो, मेरी ख्वाहिश पूरी हुई, मैं एक अमीर आदमी के साथ जा रहा हूँ। ये कहकर तीसरा घड़ा खुश होता है। अमीर आदमी सलीम को पैसे देता है और घड़ा घर ले जाता है। वहां आकर घड़ा बहुत खुश होता है। दिन गुजरते गए। एक दिन जब मालिक घड़े में पानी भर रहा था कि इसके पुराने घड़े वाला हिस्सा टूट गया। ओह, मैंने ये पुराना घड़ा क्यों खरीदा कि ये नए घड़े के मुकाबले में ज्यादा मजबूत होगा, मैंने ये सोचा था, लेकिन ये टूट गया है। अब ये मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे इसे फेंक देना चाहिए। अमीर आदमी इसे घर से बाहर ले गया। घड़े को बहुत बुरा लगता है और खुद से कहता है, अरे नहीं, अभी क्या हो गया है, इसने मुझे छोड़ दिया है। मैं अपने दोस्तों के साथ खुश था, लेकिन अब मेरा कहने वाला कोई नहीं है। घड़ा अफसोस से रोता है। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजरा और इसने घड़े को देखा। वो घड़े को उठाकर घर ले जाता है। जब वो आदमी घर की तरफ चल रहा था तो इसे घड़े के जहन में ये ख्याल आता है कि वो मेरे जैसे टूटे हुए घड़े को कहाँ ले जा रहा है। बूढ़ा आदमी अपने घर में बाकायदगी से इस घड़े में पानी भरता है। जनाब, मैं टूट गया हूँ, मेरी हालत अच्छी नहीं है, आप मुझे अपने घर क्यों लाए? आप अपने लिए एक नया घड़ा खरीद सकते थे। मैं नया घड़ा नहीं खरीद सकता था। इसी की जारी शक्ल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक के वो दूसरों के लिए फायदेमंद ना हो, याद रखो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनाब, मैं गलती पर था। मैंने हमेशा सोचा कि अमीर आदमी के साथ रहने से मेरी कदर बढ़ेगी, लेकिन सच तो ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं, लेकिन फर्क पड़ता है कि हम किन के लिए अहम हैं। घड़े को इसका सबक मिलता है, तब से ये खुशी से जीना शुरू कर देता है। कुछ दिन बाद बूढ़ा आदमी दूसरे दो घड़ों को घर ले आता है। घड़ा इनको देखकर बहुत खुश होता है और इनसे बातें करता है। आप दोनों शहजादे यहाँ कैसे आए हो? हम पर
खराशे लग गई थी। हमारे मालिक ने हमें घर से दूर फेंक दिया है। इस रहम दिल बुरे आदमी ने हमें अपने घर ले आया है। इसी दौरान बुरे आदमी को दो पौधे मिलते हैं और दोनों को घरों में डाल देता है और इन्हें रोजाना पानी देता है। दोस्तों, आप खुश रहने के लिए अमीर आदमी का साथ चाहते हैं, लेकिन आखिर में बुरे आदमी ने आपको तब फायदेमंद होने का एहसास दिलाया जब बाकी लोगों ने सोचा कि आप बेकार हैं, ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। अब मैं समझ गया हूँ कि जाहिरी शक्ल अहम नहीं, लेकिन दूसरों के लिए आप कितने फायदेमंद हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। तीनों गरीब बुरे आदमी के साथ खुशी के साथ रहने लगे।